सतिंदर, आप इस रैली को कवर करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री का काफिला जब हुसैनीवाला से निकल रहा था, फ्लाईओवर पे आखिर कैसे उसे रोक दिया गया? क्या वहां पर सैनिटाइज रास्ता नहीं था? क्या पुलिस ने हर तरफ से लोगों की आवाजाही रोकी नहीं थी? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी हुआ है ये वाकई में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक है। हालांकि अब इस मामले की जांच भी कई एंगल से की जा रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब गए और वापसी आए तो तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्लाई ओवर के ऊपर उनको रुकना पड़ा। किसानों ने एकाएक आकर रोड जाम कर दिया। हालांकि कमोबेश स्थिति पूरे पंजाब में बनी हुई थी। कई जगह पर ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसानों ने रोका और वहां पर आमने सामने क्लैश की सिचुएशन भी पैदा हुई। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का आना और जाना दोनों तय था, वहां पर इससे पहले बाकायदा रिहर्सल भी की गई थी। और रिहर्सल के अलावा प्रधानमंत्री का जब भी कोई रूट बनता है तो उसमें अल्टरनेटिव रूट भी रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक नहीं लगी। यानी कि कहीं ना कहीं से किसान पहले से ही एक तैयारी करके बैठे हुए थे। और देखिए, प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं तब नहीं रोकता है, जब वापस में रैली की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब एकाएक सड़क पर किसान आ जाते हैं। फिलहाल चूंकि चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है, हर एक बात को कहीं ना कहीं इस चुनाव के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पहले भी अगर आप देखें, कल परसों दोनों दिन लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर राज्यपाल के बहाने से निशाना साध रहे हैं और पंजाब के राज्यपाल के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो अब सिचुएशन ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर अब कोस रही है। नहीं, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और ये तस्वीरें आपको दिखाती है कि कितनी गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर है, आगे जो गाड़ियां हैं वो सिक्योरिटी डिटेल की होती हैं, जो कम से कम 2 से 3 मिनट आगे चलती हैं प्रधानमंत्री के काफिले के इमीडिएट आगे। पंजाब पुलिस की गाड़ियां उससे भी आगे चलती हैं, पहले वो ऑल क्लियर देती है पीछे की गाड़ियों को, फिर ऑल क्लियर मिलता है एसपीजी की गाड़ियों को और तब वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। लेकिन एकाएक यहां गाड़ियां बंचअप हो गई हैं, एक के बाद एक आके खड़ी हो गई हैं। एसपीजी वाले गाड़ियों से निकल आए हैं और प्रधानमंत्री के चारों ओर उन्होंने सुरक्षा का घेरा बना लिया है। यानी खतरा था और बड़ा था। यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एसपीजी का कि अगर एकाएक कोई सिचुएशन हो, उन्हें निकलना पड़े, तो एसपीजी चारों तरफ से गाड़ी को घेरती है और फिजिकली प्रधानमंत्री की गाड़ी को और गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया जाता है कि कोई दंदनाते हुए आगे ना आ पाए। लेकिन दूसरी तरफ उल्टी दिशा से गाड़ियां कैसे आ रही थी सतिंदर, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये रास्ता सैनिटाइज क्यों नहीं था, इस पर क्या पंजाब पुलिस कोई अपने अपने बचाव में कुछ कह पा रही है? देखिए, पंजाब पुलिस ही नहीं, पंजाब सरकार की तरफ से भी अभी इस पूरे मामले की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी इस पूरे मामले पर जो रिएक्शन आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार की तरफ से आई है। लेकिन जो दृश्य आप दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर गौरव, ये कहीं ना कहीं वाकई में एक लापरवाही का मामला है और सुरक्षा में भारी चूक है। और इस तरह के मौके पर देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की 3 टायर सुरक्षा होती है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि जब भी कोई वीवीआईपी का काफिला निकलता है तो उससे 2 मिनट पहले एक वार्निंग वाहन निकलता है। यानी कि वो वाहन सिर्फ सायरन बजाता हुआ अगली जो पार्टीज होती हैं उनको अलर्ट करता है और साथ के साथ रेडियो पर मैसेज देता है कि वीआईपी वहां से निकल चुके हैं। और ये तो प्रधानमंत्री का मामला है, जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कोई भी वीवीआईपी जब इस तरीके के दौरे पर आते हैं तो उसकी 2 से 3 बार रिहर्सल भी होती है। यानी कि ये मानकर कि वीआईपी गाड़ी में बैठा है, उस पूरे काफिले को एज इट इज निकाला जाता है, वापस लाया जाता है। लेकिन ये जो आज इंसिडेंट हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है और इसका जवाब पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को देना ही होगा।